आंध्र प्रदेश असेंबली के लिए 3 मुस्लिम एमएलए मुंतखब हुए। मुंतखब होने वाले 3 तमाम मुस्लिम एमएलए का ताल्लुक तेलुगु देशम पार्टी से है। इससे पहले 2019 के इलेक्शन में मुंतखब होने वाले 4 मुस्लिम एमएलए का ताल्लुक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से था। इस मरतबा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से एक भी मुस्लिम एमएलए मुंतखब नहीं हुआ। तेलुगु देशम से मुंतखब होने वाले 3 मुस्लिम एमएलए के नाम और उनके हलके कुछ इस तरह से है। नंदियाल असेंबली हलके से एन मोहम्मद फारूक, मदनापल्ली से शाहजहान बादशाह और गुंटूर ईस्ट असेंबली हलके से मोहम्मद नसीर अहमद शामिल हैं। तेलुगु देशम के टिकट पर 3 मुस्लिम एमएलए तो मुंतखब हुए, लेकिन अब देखना यह है कि तेलुगु देशम काबीना में कितने मुस्लिम एमएलए को शामिल किया जाता है। हाल ही में इख्तदाम पजीर 2024 के आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में चंद्राबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए हुकूमत बना रही है, जबकि वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 11 सीटें मिली हैं।